ड्राइव पे चलते हैं, फिर खाना पकाएंगे। सड़कें साफ, किनारों पे इतनी बर्फ। ये बड़ा कमाल है भाई, सफाई बहुत करते हैं। मौसम कितना भी सख्त हो लेकिन रास्ते साफ, जॉब्स, स्कूल, ऑफिसेस सब खुले हुए। कहीं कोई रुकावट नहीं। ये हमारा घर आ गया और ये हमारे घर के बर्फ के मीनार, जो हमने अपना ड्राइववे साफ करके और ये जो बनाए हैं। ये देखिए किस कदर बर्फ है। आज बनाते हैं मज़ेदार बीफ स्ट्रिप्स। ये मैंने दो गोश्त के स्लाइसेस लिए हैं, उसके लिए मैंने एक टीस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड 1/4 टीस्पून वाइट पेपर, ये सब चीज़ें मैं मिला के उसको मैरिनेट कर दूंगी 2 घंटे के लिए। इसमें मैंने 1 टीस्पून सिरका भी डाला है। अब गोश्त को हमने पतीली में डाल दिया है और इसमें 2 कप पानी डाला है, और जब उबाल आ जाएगा तो इसको गलने के लिए रख देंगे हल्की आंच पे, यहाँ तक कि ये बहुत अच्छे से गल जाए। अब ये कुछ सब्जियाँ हैं, मशरूम, ब्रोकली, गाजर, टमाटर, सैलेड, रोमेन सैलेड एंड स्पिनच, बेबी स्पिनच, इन सबको हम सौते कर लेंगे। फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और गाजर स्लाइस बारीक बारीक इसके कर लिए हैं, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको, ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अब ये ब्रोकली है, इसे भी गलना चाहिए, तो थोड़ा सा इसे स्टीम कर लेते हैं। 2-4 कतरे ऑयल के डाले, थोड़ा सा नमक, और अब इसको ढक के स्टीम कर लेते हैं। फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, फिर मशरूम डाले और उसमें सोया सॉस 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा चिली सॉस वो डाल दिया। अब ढकना है 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से ये अंदर तक स्टीम हो जाए। अब ये जो गोश्त के स्लाइसेस हैं ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत देर गलाया है इसको। ये स्टेक्स नहीं है लेकिन मैं स्टेक्स भी इसी रेसिपी से बनाती हूँ, तो उसमें 2-3 ड्रॉप्स में ब्राउनिंग कैरमल के डाल देती हूँ, सिर्फ 2-3, ताकि ये डार्क हो जाए। 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर पानी में घोल लिया, इसको भी हम इसमें डाल देते हैं ताकि ग्लेज आ जाए इसमें। बड़ी ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हो गई और ये बिल्कुल डन हो गया। बेबी टोमेटोज़ जो हैं उनको भी ऐसे ही हमने सौते कर लिया सोया सॉस और कुछ ड्रॉप्स ऑयल में। ये थोड़े से फ्रेंच फ्राइज तल लिए। अब उसी तरह कुछ ड्रॉप ऑयल लिया और उसमें सोया सॉस डाला 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून उसमें हमने ये पालक है उसको भी बहुत एक मिनट के लिए बस इसको सौते किया। ये लीजिए, वेरी न्यूट्रिशियस, वेरी गुड फूड तैयार है। इसमें थोड़े से चावल उबाल के रख दिए हैं, फ्रेंच फ्राइज भी हैं, प्रोटीन भी है, सब्जियां कच्ची भी हैं और स्टीम्ड भी हैं। अगर आपको पसंद आए सब्सक्राइब कीजिए, दुआ दीजिए 1 थम्स अप के साथ।